हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे आप सब, होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। एंड गाइस अगर आप रियलमी 6 प्रो इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो दिसंबर का अपडेट है वो रोल आउट किया गया है। एंड शॉक मत होना, ये भी रियलमी यूआई 2.0 नहीं है। यहाँ पर जो अभी अपडेट आपको देखने को मिल रहा है वो रियलमी यूआई मतलब पहले ही वाले वर्जन पे देखने को मिल रहा है, 2.0 पे नहीं है। तो ये ऐसा कुछ अपडेट आपको देखने को मिल रहा है और ये इसका जो वर्जन है वो 8.41 के नाम से रिलीज़ किया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हो सिक्योरिटी पैच जो है वो नवंबर दिसंबर का एक साथ इसमें दिया गया है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे क्या कुछ आपको नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड साथ ही साथ आपको जो रियलमी यूआई 2.0 है उसका जो अपडेट है वो कब देखने को मिलेगा, और अगर आपके पास रियलमी नार्जो 20 प्रो है या फिर रियलमी 7 है तो इन दोनों के लिए अभी इससे पहले वीडियो मैंने डाली है कि वहाँ पर जो रियलमी यू आई 2.0 कब देखने को मिलेगी और ये जो दिसंबर का अपडेट रोल आउट किया है वहाँ पर क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है, तो जाकर के वो चेकआउट कर लेना। अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो अपडेट है वो क्या प्रोवाइड हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारे आपको कॉमेंट्स देखने को मिल रहा है, बट वैसे अगर आप मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से रोज़ाना हम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपडेट्स के ऊपर लेकर के आते रहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर जो अपडेट है वो क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जैसे कि सिक्योरिटी पैच मैंने आपको बता दिया, नवंबर और दिसंबर का एक साथ देखने को मिल रहा है। ब्लूटूथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनकमिंग कॉल से रिलेटेड यहाँ पर जो अपडेट है वो दिया गया है। जैसे कि आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो आपके फ़ोन से कनेक्टेड होता है, तो उस समय जो आइकन है वो थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिल सकता है। इस बार ब्लूटूथ आइकन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल सकता है। सेटिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट प्रेस बटन, इन्होंने ऑटो ऑफ फ्लैशलाइट फीचर वाइल स्क्रीन ऑफ, तो यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा फीचर इन्होंने डाल दिया है शॉर्ट प्रेस बटन में। वो इनका कहने का यह मतलब कि अगर आप यहाँ से फ्लैशलाइट ऑन करते हो, इसके बाद आप अपनी स्क्रीन को ऑफ कर देते हो, तो आप पावर बटन से 0.5 सेकंड तक जो है उसको प्रेस करके डायरेक्टली टर्न ऑफ कर सकते हो, आपको इस तरीके से ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा फीचर इन्होंने ऐड किया है। एडेड अ ट्यूटोरियल फॉर द स्वाइप जेस्चर फ्रॉम बोथ साइड, यहाँ पर इन्होंने एक ट्यूटोरियल ऐड कर दिया है कि आप इस तरीके से जैसे कि हम लोग स्वाइप करते हैं साइड से, तो उसका जो ट्यूटोरियल है वो ऐड कर दिया है। इसकी क्या नीड थी, चलो ठीक है, कोई कोई नहीं कर पाता। सो यहाँ पर फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक ओवरलैपिंग इशू ऑफ द पुल डाउन आइकन एंड नेविगेशन बार, तो यहाँ पे आपको शायद नहीं पता होगा कि यहाँ पर पुल डाउन जेस्चर और नेविगेशन बार जो है वो आपको फोन्स में देखने को मिलता है। पुल डाउन जेस्चर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पुल डाउन जेस्चर देखने को मिल जाता है, ये देखिए पुल डाउन जेस्चर इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो जेस्चर है और इस तरीके से मतलब आप किसी भी इन पे जाकर के क्लिक कर सकते हैं तो वो वन हैंड मोड में कन्वर्ट हो जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर फीचर देखने को मिल जाता है, वो सेटिंग्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर के। और यहाँ पर नेविगेशन बार में कुछ प्रोबेबिलिस्टिक ओवरलैपिंग इशूज़ आ रहे थे उसको लेकर के यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो फिक्स की गई हैं। इसके बाद यहाँ पर फिक्स द इशू दैट एग्जिस्टिंग द इंफॉर्मेशन पेज रिक्वायर टैपिंग ट्वाइस इन द सुपर पावर सेविंग मोड, तो यहाँ पर सुपर पावर सेविंग मोड से रिलेटेड कुछ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो फिक्स की गई हैं। इसमें यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि जब भी आपका फ़ोन जो है सुपर पावर सेविंग मोड पे होता था वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती थी उसको दो बार आपको टैप करना पड़ता था तब जा करके वो मतलब कि जो पेज होता था उसे आप देख सकते थे, तो वो कुछ यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो अभी यहाँ पर ये चीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी और आराम से आप इस फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं सुपर पावर सेविंग मोड में। इसके बाद यहाँ पर फिक्स द एबनॉर्मल पॉपअप इशू व्हेन टैपिंग द अवतार मल्टीपल टाइम्स इन द कॉन्टैक्ट एडिटिंग पेज इन द मल्टी यूज़र मोड, और यहाँ पर ये जो लास्ट इन्होंने दे रखा है सेटिंग्स में जो इशू आ रहा था वो यहाँ पर एबनॉर्मल पॉपअप इशू आ रहा था और टैपिंग द अवतार मल्टीपल टाइम, तो अवतार में मल्टीपल टाइम टैप करना पड़ रहा था। कॉन्टैक्ट एडिटिंग पेज इन द मल्टी यूज़र मोड, तो मल्टी यूज़र मोड में कॉन्टैक्ट जो एडिटिंग पेज है उसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे। ये सारी की सारी चीज़ें अभी यहाँ पर फिक्स कर दी गई हैं, तो अभी आप चेकआउट करके बताना मेरे को कि यह सारी चीज़ें फिक्स हुई हैं या फिर नहीं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताना। एंड हाँ, इसका साइज़ ज़रूर से मेंशन कर देना कि हमें इसका जो साइज़ है वो क्या देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे स्टेटस बार की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है ऑप्टिमाइज द डिस्प्ले ऑफ स्टेटस बार सिस्टम आइकन, तो स्टेटस बार की यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस बार में जो सिस्टम आइकन है उसको लेकर के कुछ यहाँ पर फिक्स किया गया है, ऑप्टिमाइज़ किया गया है। अब जो भी ऑप्टिमाइजेशन की होगी और वो मुझे आप अपडेट करके ज़रूर से बताना नीचे कमेंट्स में। अनलॉक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज द एक्सपीरियंस व्हेन यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ फिंगरप्रिंट एंड फेस टू अनलॉक, तो यहाँ पर जब एक साथ कॉम्बिनेशन जो हम फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का करते हैं
तो वो अभी यहाँ पर कुछ ऑप्टिमाइज़ किया गया है, पहले कुछ दिक्कत कर रहा था, अभी यहाँ पर सारी चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं। तो आप मुझे कमेंट्स करके दोस्तों ज़रूर से बताना कि इसमें जो ये सारी जो इशूज़ जो है वो फिक्स हुए हैं, क्या वो रियलिटी में फ़िक्स हो गए हैं या फिर बस ऐसे लिख करके दे दिया है। अगर हम यहाँ पे Realme UI 2.0 की बात करते हैं तो यहाँ पे Android 11 Realme UI 2.0 का इसका जो अपडेट है वो दिसंबर के ही मंथ में बोला जा रहा है कि अपडेट जो है वो दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट एक्सपेक्टेड है कि इसका जो अर्ली एक्सेस है उसका फॉर्म काफ़ी जल्दी रिलीज़ होने वाला है। तो इसके लिए आपको करना क्या है यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और आप में से यार 98% हो जो कि वीडियोज़ को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी गलत बात भी है, क्योंकि अगर आप वीडियोज़ देख रहे हो और मतलब उससे कुछ जानने को मिल रहा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, तो प्लीज़ कर देना। और यहाँ पर Realme 6 Pro का जैसे ही अर्ली एक्सेस आता है मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा और फटाफट से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा ताकि आप फॉर्म वो फिलअप कर सको, क्योंकि वो बहुत ही कम लोगों के लिए आता है, मुश्किल से 100 से 500 लोगों के बीच में वो आता है, उससे ज़्यादा वो लोग जो इसका अपडेट है वो किसी को नहीं देते, क्योंकि वो बीटा वर्जन होता है तो बीटा के लिए बहुत ज़्यादा लोग मतलब को अप्लाई नहीं करने देते। और इसका जो अपडेट मतलब स्टेबल अपडेट है वो आपको मैं अभी से बता दूं कि अभी तो देखने को नहीं मिलने वाला है इसका स्टेबल अपडेट। इसका जो स्टेबल अपडेट है वो ऑलमोस्ट आपको नेक्स्ट मंथ तक देखने को मिल सकता है, मतलब जनवरी के मिड या फिर जनवरी के एंड तक जा सकता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मतलब कि ये जो अपडेट है अगर मिल गया है तो साइज़ क्या देखने को मिल रहा है। बाकी मैंने Realme UI 2.0 के बारे में आपको बता ही दिया है और यहाँ पर वॉच वगैरह इनकी कुछ आ रखी है, काफ़ी महंगी वॉच मुझे लगी वैसे, जो बेस वेरिएंट है वो 6000 का देखने को मिलता है, बट कोई नहीं कहाँ ही हम लेने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में सारी सोशल मीडिया के लिंक देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि रेगुलरली हम इसी तरीके से वीडियोज़ अपडेट्स के ऊपर लेकर के आते रहते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यार अपडेट्स पे अगर हम वीडियो लेकर के आएंगे और आप ही लोग नहीं देख पाओगे जिनको ज़रूरत है, तो फिर मेरी वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।